विगत 1 अक्टूबर को डीजीपी संज्ञान नहीं लेते तो बरेली में हो जाता दूसरा देवरिया जैसा कांड। पीड़ित कर रहे हैं डीजीपी का दिल से धन्यवाद। जनपद बरेली के थाना हाफिजगंज क्षेत्र के रठौरा का मामला सामने आया है, जहां पर 1 अक्टूबर की रात 11 बजे भुता पुलिस के साथ कुछ लोगों ने मुख्तार अहमद के मकान पर आकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी आवाज फोन पर डीजीपी ने भी सुनी और फोन करने वाली उसी परिवार की लड़की को कहा कि लाइन पर रहो, तब तक फोन नहीं काटना जब तक तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस न पहुंच जाए। डीजीपी द्वारा संज्ञान लेने पर बरेली में देवरिया जैसी घटना होते होते बच गई। पीड़ित का कहना है कि उस घटना जिले के अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद फायरिंग करने वालों के खिलाफ अभी तक हाफिजगंज पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा है। अब पुलिस पर किस तरह का दबाव है यह हाफिजगंज पुलिस ही बता सकती है। पीड़ित का कहना है कि इस मामले की FIR के लिए थाना हाफिजगंज से लेकर उच्च अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, परंतु अब तक मुकदमा कायम न होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित मुख्तार अहमद ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मुख्तार हुसैन है। कहाँ रहते हैं? नगर पंचायत रठौरा। अभी जो 1 तारीख को जो आपके यहाँ फायरिंग की घटना हुई थी, ये क्या मामला था? ये मामला था जी, हमारा रोड पे मकान है और दुकानें बनी हुई हैं। ये मुनीश कुमार, सतीश कुमार, राजकुमार ने रात में ये यहाँ पर कब्जा के संबंध में गुंडे भेज दिए थे। कब्जा क्यों लेना चाहते हैं आपसे? वो कब्जा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ तहसील और चकबंदी से मिला के खतौनी में नाम दर्ज करवा लिए हैं फर्जी तरीके से, और दूसरी पार्टी के नाम एग्रीमेंट भी करवा दिया है। आपने जगह किससे खरीदी थी? हमने जगह खरीदी थी अहमद हुसैन खां से। और अहमद हुसैन ने किससे जगह खरीदी थी? रोशन लाल से, पुत्र डालचंद। ये उन्हीं के लड़के हैं? रोशन, ये रोशन लाल के ही लड़के। फिर क्या हुआ उस मामले में? उस मामले में ये होगा, जब इन्होंने ये जगह बेच दी, एग्रीमेंट करवा दिया, फिर ये तहसील से और कोर्ट से फेल हो गए, फिर इन्होंने ये बल प्रयोग की वजह से इन्होंने हमला किया रात के 11 बजे 1 तारीख को। करीब 100 से ऊपर आदमी थे, तमंचे अवैध हथियार थे उनके पास। फिर सब लोग रात में उन्होंने हमारे यहाँ सब ताला तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, मारपीट पे उतारू हो गए ये वो लोग। फिर हमारी भतीजी थी, उन्होंने रात में ही DGP को फ़ोन किया, तब जाके पुलिस करीब 20 मिनट के बाद आई। उन्हीं की उत्तर प्रदेश DGP की वजह से हम लोगों का परिवार की जान बच गई, नहीं तो ये कांड देवरिया जैसा होता। इसको या संबंधित थाने से कोई शिकायत की? हमने थाना प्रभारी को भी एप्लीकेशन दी है, ED साहब से भी एप्लीकेशन दी, IG साहब के यहाँ भी पेश हुए थे और कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुए। हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई FIR उसमें दर्ज नहीं हुई है अभी। तो इस तरह से ये लोग आपकी ज़मीन पे कब्जा करना क्यों चाहते हैं? ये कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी हमारी जान को, पूरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है, हमें कोई सुरक्षा नहीं है अभी, कहीं से न्याय भी नहीं है अभी। क्या आपका इस ज़मीन से संबंधित कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है? हाँ है, हमारा मामला कोर्ट में, और खतौनी में नाम दर्शाने के लिए ये हमारे कोर्ट में लगा रखा है इसमें मामला। ये खतौनी में जो उन्होंने अपना नाम दोबारा दर्ज करा दिया, ये कब आपको मालूम हुआ? ये हमें मालूम हुआ था 2015 में। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने ये कोर्ट में इसे लेके गए थे, हमने अपील की वहाँ पर, जिसमें कि 2 आदेश हमारे फेवर में हो गए हैं। क्या दोबारा खतौनी में आपका नाम फिर दर्ज हुआ? अभी तक हमारा खतौनी में नाम दर्ज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में आप तहसीलदार या जिला अधिकारी से कोई आपने? DM साहब के यहाँ हम 2 बार पेश हुए हैं, वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 3 बार हम SDM साहब के यहाँ पेश हुए हैं, वहाँ पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक, कोई न्याय नहीं हुआ अभी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही न्याय चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं, सबसे पहले उन्हें रोका जाए, क्योंकि पूरे परिवार को हमारी जान का खतरा बना हुआ है इस समय, और लगातार वो प्रोग्राम यही करते हैं कि बार बार आगे धमकाते हैं, कई बार गोलियां भी चला चुके हैं। 2004 में भी उन्होंने गोली चलाई है, जिसकी कि FIR हुई है, ये मुनीश ने भी भेजे थे उन्हें,
और अब भी रात बिरात अब भी हमें बहुत ही खतरा बना हुआ है, जिसकी कि हम न्याय चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना देवरिया वाला कांड दोबारा यहाँ हो जाए। मुख्तार साहब, ये रोशनलाल की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने सबसे पहले किसको ये प्रॉपर्टी बेची? रोशनलाल ने ये प्रॉपर्टी बेची थी अहमद हुसैन खां के परिवार को। चार बैनामे किए थे उन्होंने। पहला बैनामा था 800 गज, गज के हिसाब से ये ज़मीन बेची थी। पहला बैनामा था 800 गज का, दूसरा था 300 गज, तीसरा भी था 300 गज, उसके बाद थे 220 गज। ये 1620 गज का बैनामा था। तो वो बैनामा ये है, और ये चारों बैनामा होने के बाद में ये 23/11/2087 को दाखिल खारिज हो गया। और दाखिल खारिज होने के बाद में भी रोशनलाल ने जब अपनी प्रॉपर्टी ये बेची थी, तो ये बेचने के बाद रोशनलाल करीब 20 से 25 साल तक जीवित रहे। इसमें मकान दुकान सब कुछ बन गया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया अपने जीते हुए। उसके बाद में ये 1996 में अहमद हुसैन खां से हमने खरीदी थी। अहमद हुसैन खां से खरीदने के बाद में ये हमारा बैनामा है 1996 का, और 1996 के बाद में हमारा 2000 में दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज का ये हमारी खतौनी है, जिसमें कि ये दाखिल खारिज ये हो गया हमारा दाखिल खारिज। और ये दाखिल खारिज 2015 तक बैलेट था। उसके बाद में 2015 के बाद में इन लोगों ने सांठ गांठ करके तहसील से हमारा खतौनी में से नाम कटवा दिया। और कटवाने के बाद हमारे पास ये पर्चा 45 पे आज भी अमल दरामत है। पर्चा 45 है, ये पर्चा 45 पे ये आज भी अमल दरामत है। 2000 का जो अमल दरामत हुआ था ये अभी तक खारिज नहीं है कहीं से भी। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर फिर सांठ गांठ करके ये 143 का आदेश है 27 जनवरी 2008 एसडीएम साहब का आदेश है, इन्हें वर्तमान खतौनी में से वो भी हटवा दिया। अब ये अपनी इस जगह को खेत बता रहे हैं, खेत के हिसाब से इन्होंने एग्रीमेंट करवा दिया है किसी दूसरी पार्टी के यहाँ। वो पार्टी हमें परेशान कर रही है और हमले करवा रही है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब यही चाहते हैं कि हमारे कागजों की विस्तार से जांच हो और हमें न्याय मिले। अब ये है कि इस कागजों की पूरी जांच हो। दूसरा ये है कि हमारे पूरे परिवार को इन लोगों ने मुनीश कुमार सतीश कुमार से जान का खतरा बना हुआ है, इसकी हमें सुरक्षा सरकार या पुलिस की तरफ से दी जाए।